सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आप लोग किसी चैनल को फॉलो किस लिए कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए, मतलब कुछ आप लोगों को अर्निंग हो जाए पर डे, कुछ आप लोग अर्निंग कर पाओ। ओके, तो देखो यहाँ पर से अर्निंग करने का सबसे इजी तरीके इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। एंड बहुत सारे यहाँ पर से हिडन अपडेट्स भी बताऊंगा, कुछ लिंक्स भी बताऊंगा, साथों साथ लाइव पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा, एक दो रिक्सी ट्रिक भी बताऊंगा। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, एंड तक देखने के बाद आपको इस वीडियो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। ओके, तो प्लीज अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला वाला वीडियो आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाए थे, बहुत सारा सपोर्ट दिखाए थे, सेम टू सेम इसी वीडियो को बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट जरूर दे देना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे खास अपडेट आ रहा है यहां पर से भारत पे मर्चेंट की तरफ से। देखो रियल शॉपर मैं आपको बताऊंगा। ओके, आप लोगों से कोई सा भी चीज मैं हिडन नहीं करूंगा। ओके, कुछ भी नहीं करूंगा फ्री पॉकेट में। अगर आपको पैसा कमाना है पर डे, कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो। एंड सबसे बड़ा अर्निंग का ट्रिक बताऊंगा यहां पर से, आप लोग पर डे 1000 रुपीज तक कमा सकते हो। जी अगर पर डे 1000 रुपीज तक अर्निंग कर सकते हो बिल्कुल फ्री पॉकेट में। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखो, मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। देखो यहां पर से भारत पे में एक ऑफर लॉन्च किया है। ओके, भारत पे में एक ऑफर लॉन्च किया है, उसमें अगर आप किसी भी बंदे से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, भारत पे मर्चेंट में ऑफर लॉन्च किया है, भारत पे नहीं, भारत पे मर्चेंट, किसी भी बंदे से अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तब आपको 2 स्क्रैच कार्ड मिलेगा। ओके, पर डे आप लोग भारत पे मर्चेंट से 2 कैश कार्ड अर्निंग कर सकते हो, सेकंड ट्रांजेक्शन में, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में। ओके, 1 2 3 4 5 सेकंड ट्रांजेक्शन में एंड फिफ्थ ट्रांजेक्शन में। अभी देखो यहां पर से क्या होता है, सेकंड ट्रांजेक्शन में फिफ्थ ट्रांजेक्शन के लिए आपको 2 स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। 2 स्क्रैच कार्ड में अप टू 500 रुपीज तक अर्निंग कर सकते हो। ओके, 5 पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए अप टू 1000 रुपीज तक मिल सकता है, क्योंकि 500 500 2 स्क्रैच कार्ड 1000 रुपीज तक मिल सकता है। ये देखो इसका कोई ऑफिशियल बैनर नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ये देखो एक ऑफिशियल मतलब कि अपडेट है। ओके, ऑफर तो अंदर से चल रहा है, ऑफर अंदर से लॉन्च हो चुका है, लेकिन भारत पे एक ही गलती करता है हर बार, कोई से भी इसका बैनर कोई से भी शो नहीं करता है। तो यहां पर से देखो एक तरीके से आप लोग बोलते हो इसको हिडन ऑफर भी आप लोग कह सकते हो। ऑफर के बारे में लगभग तो यहां पर से सभी यूजर को पता है, लेकिन जो किसी को पता नहीं हो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो मिनिमम मतलब 60 से लेकर 70% तक ये ऑफर मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो अगर आप एक भारत पे मर्चेंट अगर आप बना लियो, बनाने के बाद ओके अगर आपको कैशबैक नहीं मिल रहा है तो आप यहां पर से समझ लेना आपका यहां पर से अकाउंट पे ये ऑफर एक्टिवेट नहीं है। ओके, ये 60 से 70% को दे रहा है। ओके, 70% से यूजर को दे रहा है, बाकी और किसी को नहीं मिल रहा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, तो आप एक फ्री में आप लोग भारत पे मर्चेंट बना सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप हमारा टेलीग्राम पे भारत पे 2-3 एजेंट का नंबर में प्रोवाइड कर दूंगा, वो लोग बिल्कुल फ्री में, आप लोगों को एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो 2 मिनट के अंदर आपको यहां पर से बना देगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर लेना, मतलब यहां पर से बैंक अकाउंट लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ऐसा कुछ लग सकता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड यहां पर से 2 मिनट के अंदर अपना भारत पे मर्चेंट बना लेना, बनाने के बाद ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दो। एंड अगर आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है तो मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताओ। देखो सब कुछ बता दिया, इसका पेमेंट एक्सेप्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपके पास एक मतलब बैंक है भारत पे के अलावा, आपके पास एक बैंक है, उसके बाद उसी बैंक अकाउंट पे आपका यहाँ पर से फोन पे लिंक है, पेटीएम लिंक है, गूगल पे लिंक है, यहाँ पर से बहुत सारा यूपीआई जो है मतलब सारे का सारे लिंक है। ओके, भीम यूपीआई लिंक है, मतलब सारे का सारा यूपीआई मतलब आपके पास लिंक है। एंड ये आपका है भारत पे मर्चेंट क्यूआर कोड। अगर सेम से आपका सेम बैंक अकाउंट से अगर पेटीएम से एक्सेप्ट करें तो एक मतलब आपका अकाउंट हो गया, फिर फोन पे से करते हो तो आपको हो गया, फिर गूगल पे से करते हो फिर एक आपका हो गया। तो ऐसा करके आपको बस पर डे बस करना है, आपको 2 स्क्रैच कार्ड मिलेगा, अप टू 500 रुपीज करके आपको अप टू 1000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो। कैसा लगा अपडेट मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस इसी के साथ साथ सेकंड अपडेट आ रहा है एयरटेल मर्चेंट की तरफ से। देखो एयरटेल मर्चेंट मतलब 2019 में जो यहाँ पर से ऑफर लॉन्च किया था, ओके सेम टू सेम वही ऑफर है। ओके, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेन अपडेट आप लोगों को जान लेना चाहिए। यार मतलब 2019 में एयरटेल के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन आप लोग कैशबैक नहीं मिल रहा था। ओके, बहुत सारे लोगों को अकाउंट नहीं हो रहा था, ऑफर शो नहीं कर रहा था, ये सब नहीं कर रहा था। अभी लगभग 100% कुछ यूजर को छोड़ के, ओके मैं मतलब सारे का यहाँ पर से नहीं लूंगा, एक दो ऐसे निकल जा ही सकते। 2020 में अभी अगर आप यहाँ पर से एयरटेल मर्चेंट में पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पर से 100% आपको कैशबैक मिल रहा है। एयरटेल देखो एयरटेल का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब कि आपका क्यूआर कोड के थ्रू अगर आप पेमेंट लेते हो तो सेटलमेंट होने पर आप जो बैंक अकाउंट एयरटेल के साथ यहाँ पर से आप लिंक करके रखे हो तो जो आपने मतलब कि जो ट्रांजेक्शन का टाइम हो थोड़ा सा सेटलमेंट होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, यही इसका एक वीक पॉइंट है। नहीं तो इसका भी मतलब ऑफर बहुत ही बढ़िया है। क्या चेंजिंग हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। 5 अलग अलग बंदों से पेमेंट एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पर से आपको 11 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, अगर आप 9 अलग अलग बंदों से ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो आपको 21 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो आप देखो 5 भी कर सकते हो 9 भी कर सकते हो, अगर आप डेली 9 बंदों से करोगे तो 21 मिल सकते हैं पर डे 21 का कैशबैक। अगर आप पर डे 5 बंदों से पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो आपको यहाँ पर से 11 रुपीज का कैशबैक है। सेम टू सेम भारत पे की तरह आप सेम बैंक अकाउंट से पेटीएम से लोगे, फोन पे से लोगे, गूगल पे से लोगे, आपका ऑफर काउंट हो जाएगा। तो आप एयरटेल मर्चेंट को भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो अगर आपको बढ़िया लगा तो। अभी मतलब ठीक ठाक से सबको कैशबैक बढ़ रहा है। ओके, मतलब कोई सा
अभी 2009 में बहुत सारा झंझट था, कैशबैक नहीं बढ़ रहा, तो अभी सब कुछ मतलब ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को एयरटेल मर्चेंट बनाना है, कैशबैक कमाना है पर डे हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से कैशबैक दे रहा है, आप लोग प्रूफ देख ही सकते हो। साथों साथ एयरटेल जो बंदों का नंबर से एयरटेल एजेंट का नंबर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग पब्लिश कर दूंगा। ओके, फिलहाल मेरे पास एक दो नंबर है एयरटेल मर्चेंट का, मेरे और भी मैं जुगाड़ करने का ट्राई करूंगा, अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो यहाँ से मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो जाओ यार फटाफट उसको ज्वाइन कर लो। अगला जो है वो कोई अपडेट नहीं है, छोटा सा एक लीक आप लोगों को बताऊंगा, छोटा सा लीक बताऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पर से मैं आपको अपना हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग पूरा दिल से मत लो इस ऑफर को, कि मैं थोड़ा सा लीक मेरे से जो मतलब कि निकल का है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बताया, मतलब बहुत सारा लीक बताया वो सच में मतलब कि हो गया सच। एंड अभी गूगल पे का मैं आपको अपडेट्स या आने वाला अपडेट्स या आने वाला ऑफर्स मैं आपको बता रहता हूं। ओके, मतलब दो चार दिन के अंदर या एक वीक के अंदर गूगल पे एक ऑफर लॉन्च करेगा, पांच, अगर पांच पेमेंट एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पर से आपको 51 रुपीज का कैशबैक मिल सकता है। ओके, ये मतलब कितना सच है कितना झूठ है वो अभी तक मेरे को पता नहीं है, अगर ऑफर लॉन्च करेगा तभी पता हो जाएगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, जो लोग सोच रहे थे गूगल पे अकाउंट क्लोज कर दूंगा ये कर दूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आप लोगों को मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, अभी एक हफ्ते के अंदर गूगल पे कुछ अच्छा ऑफर लॉन्च कर सकता है, मतलब कि अगर आप पांच पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 51 रुपीज कैशबैक मिल सकता है। मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, आप लोग भी इतना भी श्योर नहीं हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट या थोड़ा सा लीक आप लोग बता सकते हो, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। अपडेट आ रहा है फोन पे की तरफ से, देखो तीनों का तीनों मर्चेंट मैंने इधर से कवर कर लिया, तो फोन पे किस लिए मतलब कि आपसे बात रह जाए। देखो गाइस, आप सब लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी फोन पे का मर्चेंट बना ही लिए हो तो पर डे कुछ ना कुछ पेमेंट एक्सेप्ट करते रहना। ओके, उसको मतलब कि खाली मत छोड़ना, अगर आप खाली छोड़ोगे। ओके, एंड फोन पे यहाँ पर से रूल ये है कि मतलब कि देखो मतलब कि मिनिमम ट्रांजेक्शन फोन पे का होता है 50, अगर आप डेली 50 रुपीज ही एक्सेप्ट करते हो एंड फोन पे मिनिमम कैशबैक देता है 25, अगर आप 25 रुपीज उस कैशबैक के लिए अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगला आने वाला टाइम से आप लोगों को फोन पे जो है कैशबैक नहीं देगा, क्योंकि फोन पे का बहुत ज्यादा यूजर्स है। ओके, तो फोन पे गुने चुने लोगों को दे रहा है। ओके, मतलब कि ये देखो हम लोग जो मर्चेंट बनाए हैं मतलब कि दुकान की तरफ से, जैसे कि हम लोगों को खुद शॉप है। ओके, इसलिए हम लोगों को फोर्चेंट मतलब फोन पे मर्चेंट जो है बना के दिया है। क्या कहते हो मतलब कि आप लोग ट्रांजेक्शन करते नहीं हो, जैसे आप लोग सिर्फ ऑफर के बारे में सोचते हो, अगर ऑफर आएगा तभी ट्रांजेक्शन करूंगा, वो भी मिनिमम 50 का, मिनिमम ट्रांजेक्शन तो 50 ही करूंगा। ओके, ऐसा नहीं हो आप लोग ऑफर मतलब फोन पे और भी बड़ा बड़ा ऑफर लॉन्च करेगा, तो मेरे ख्याल से अगर आप फोन पे का मर्चेंट बना के रखो तो डेली 2-3 पेमेंट एक्सेप्ट करो, डेली फोन पे मर्चेंट ओपन क्या करो, तभी आपको आगने वाला ऑफर सारे का सारा शो करेगा, क्योंकि फोन पे जो भी ऑफर लॉन्च करेगा, बोनी ऑफर बोलो कुछ भी ऑफर करो, तो यहाँ पर से आप लोगों को ऐसे मतलब कि लिमिटेड यूजर को देगा, उसी यूजर को देगा जो मतलब कि आपका फोन पे, जिसका फोन पे मर्चेंट अकाउंट एक्टिवेट है। इसके साथ साथ एक बड़ा अपडेट भी आप लोगों को मैं दे ही देता हूँ, क्या अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फोन पे मर्चेंट का यूज नहीं करते हो, मतलब कि आपने फोन पे मर्चेंट तो एजेंट के थ्रू बना लिए हो लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर ही नहीं हो, क्योंकि आपको ना ही ऑफर शो करे ना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपका यहाँ पर से फोन पे जो अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एक दो ट्रांजेक्शन किया करो या डेली आपको ऑफर भी मिलता रहेगा, आपका मर्चेंट सेफ भी रहे। जाते जाते एक और ऑफर या अपडेट बोलो आप लोगों को बता देता हूँ D11 के बारे में। देखो यहाँ पर से D11 में मतलब एक वीकेंड ऑफर चल रहा है, अगर आप मतलब लिमिटेड कुछ पैसा ऐड करोगे तो आपको लिमिटेड बहुत ज्यादा कुछ कैशबैक मिलेगा, 777 रुपीज अगर आप ऐड करोगे तो आपको 33 रुपीज यहाँ पर से कैशबैक मिलेगा, 333। ऑफर के बारे में मैं ज्यादा गहराई पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ऑफर थोड़ा सा रिस्की है एंड मेरे ख्याल से आप लोग मैक्सिमम लोग इस ऑफर को ट्राई करना नहीं चाहोगे। अगर आप D11 खेलते हो तो एक मौका है, अगर आप मतलब थोड़ा मोटा पैसा ऐड करते हो तो आपको 33 रुपीज करके कैशबैक मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर आप इसको लूटना चाहते हो तो 200-250 रुपीज का कैशबैक। ओके, 200-250 रुपीज का अर्निंग आप आसानी से कह लोगे, इसका ट्रिक लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के, मैंने लगाया, मैंने बस इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखो इस ऑफर के कंपेयर मत करो, ये ऑफर अच्छा है बुरा है, 30 रुपीज आपको जो कैशबैक मिलेगा उसको आप एक मतलब की लीग पे 25 रुपीज से ज्यादा नहीं लगा सकते, कोई प्राइवेट मतलब की कॉन्टेस्ट में भी ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आप सोच रहे हो मैं खुद ही कॉन्टेस्ट क्रिएट करूंगा फिर खुद ही निकालूंगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ओके, मतलब कि आपको एक लीग में आप 25 रुपीज यूज कर सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, अगर आप लूटना चाहते हो तो दो अकाउंट पे ऐड कर लेना, दो अकाउंट पे ऐड करने के बाद ओके दो लीग पे एक साथ में आ जाना, एक साथ में आने के बाद दो में मतलब हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ढूंढ लेना, एंड देखो दो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट चलता है 15 रुपीज का 25 रुपीज का। ओके, तो दोनों आईडी पे में जो भी सिलेक्ट करना पहले कर लेना, उसके दोनों पे एक साथ में क्लिक कर देना, आपका जो 333 रुपीज का जो कैशबैक है ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर से दो आईडी बनाया, दो आईडी बनाने के बाद मैंने मतलब कि मेरा 33 रुपीज का जो कैशबैक है, मतलब कि मैं खुद ही दो आईडी मतलब दो मोबाइल मैंने एकदम हाथ पे सामने रखा, एंड आप पैरेलल पे से भी कर सकते हो, तो मैंने हाथ के सामने रखा एंड 33 रुपीज का जो कैशबैक है, हर एक लीग को सिलेक्ट कर टीम मतलब एक में बुरा टीम लगाया, एक में जिसमें मेरे को पैसा निकालना है उसमें अच्छा टीम लगाया, एंड एक साथ में दोनों टीम लगा दिया, एंड अभी मैं साइड पर प्रूफ भी दिखा देता
देखो मेरे पास जो भी यहाँ पर मतलब कि मेरा जो भी कॉन्टेक्स्ट था मेरे को खुद ही खुद लग गया। ओके, इलेवन का एल्गोरिथम है, डीम इलेवन का एल्गोरिथम क्या है, एक ही साथ में अगर दो टीम मतलब कि अगर बंदा ज्वाइन करता है तो दोनों का दोनों लीग एक साथ में लग जाता है। तो मैंने दोनों मोबाइल पास पे लगाया मतलब पास पे रखा है, रखने के बाद मैं दोनों पे मतलब दोनों लीग पे एक साथ में ज्वाइन करते गया, एक साथ में ज्वाइन करते गया। आज कर लिया, कल कर लिया, आने वाला सात दिन का जो भी लीग है मैं सारे के सारे लीग ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आप लोग साइड पर देख सकते हो दोनों का दोनों जो टीम हो रहा है, सारे के सारे आप प्रूफ देख लो, पहले प्रूफ देखो दोनों का दोनों जो टीम है मैं हूं। मेरा एक आईडी है सुमित का नाम से, एक आईडी ऐसे ही चाहिए ऐसा कुछ नाम पे, देखो दोनों का दोनों आईडी मैं हूं और मैं एक आईडी पे जीतूंगा एक आईडी पे हारूंगा। तो तीन मतलब टोटल दो आईडी पे मैंने मतलब पैसा ऐड किया, 777 रुपीस के दो आईडी पे मैंने ऐड किया। तो पर अगर पैसा वाली वीडियो चाहिए इस डीम इलेवन के बारे में तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ओके, तो वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। फिल्म में और वीडियो से तब तक बने रहो ऑनलाइन हीरो में।